हेलो गाइस, आई एम पूनम सिकरवार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल बेबी एंड यू। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डार्क साइड ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन के बेनिफिट्स के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको ऑक्सीजन के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पता है? क्या आपको ये पता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है? तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि क्या होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हमको एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और ये हमारे लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी सेल्स तक पहुँचता है तो वहाँ पर क्रिएट होते हैं फ्री रेडिकल्स। और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स अगर हमारी बॉडी में डिसबैलेंस हो जाते हैं, मतलब कि अगर हमारी बॉडी में नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को बहुत सारी डिजीज दे सकते हैं। देखिए, जब तक ये फ्री रेडिकल्स सही तरीके से काम करते हैं, मतलब कि जब तक इन फ्री रेडिकल्स को मॉलिक्यूल्स मिलते रहते हैं और ये हमारी बॉडी को बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, लेकिन अगर इन फ्री रेडिकल्स का डिसबैलेंस हुआ हमारी बॉडी में, मतलब कि अगर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो इससे धीरे धीरे टाइम के साथ हमें बहुत सारी बड़ी बीमारियों को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि कैंसर हुआ, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई बीपी, बहुत सारी ऐसी डीजनरेटिव डिजीजेज हैं जो कि इन फ्री रेडिकल्स की वजह से होती हैं। और ये फ्री रेडिकल्स को मैनेज कौन करता है? इन फ्री रेडिकल्स को मैनेज करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट्स, और इसीलिए कहा जाता है कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हो तो आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ये मैनेज कर देता है, उनको ये बैलेंस आउट कर देता है, और फिर हमारे बॉडी में जो हर एक सेल है, हमारे फ्री रेडिकल्स हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और हमारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम जो है, जो कि हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रांग रहता है। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लोगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ते जाते हैं, और यही फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बाद में जाकर हमें बहुत बड़ी बीमारी दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बनते किस वजह से हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं। एक तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का डिसबैलेंस होना, लेकिन ये डिसबैलेंस होता क्यों है? सबसे पहला रीजन है एयर पॉल्यूशन। अगर आप ऐसी सिटी में रहते हो जहां बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है, तो उससे भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये टाइम के साथ धीरे धीरे आपकी बॉडी को बहुत ही वीक करते जाते हैं, और बहुत लंबे टाइम के बाद आपको कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट डिजीजेज उभर कर आने लगती हैं। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कि एक्सेस एक्सरसाइज करना। ये मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप बहुत ही एक्सेस एक्सरसाइज करते हो तो उससे भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जो थर्ड है, स्मोक एंड एल्कोहल। स्मोक से सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और स्मोकिंग करना हमारी बॉडी के लिए बहुत एक्सेस हार्मफुल होता है, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको बाद में लंग इन्फेक्शन के, कैंसर के, इन सब चीज़ों के चांसेस रहते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को इनफर्टिलिटी के भी इश्यूज होने लग जाते हैं। और जो लोग सेकेंड हैंड स्मोक, मतलब कि दो लोग साथ में स्मोकिंग करते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के और बाद में फ्यूचर में आपको बहुत सारी डिजीजेज होने की रिस्क रहता है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल से भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं।
है। एंड थर्ड है स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उनकी बॉडी में भी फ्री रेडिकल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्रिएट होते हैं, इसलिए आपको स्ट्रेस बहुत कम लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो उनको बैलेंस आउट करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऐसा डाइट लेना चाहिए जिससे ये फ्री रेडिकल्स जो है वो मैनेज रहें। लाइक आप ग्रीन टी पिएं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एप्पल खाएं और बाकी बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करने चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको मॉडरेट एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हो तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बैलेंस आउट होते रहते हैं और आपको फ्यूचर में कोई भी डिजीजेज होने से बचाते रहते हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। देखिए, लाइफस्टाइल आपकी सुधारना बहुत जरूरी होता है। जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत फास्ट फूड खाते हैं और बहुत ही लाइफस्टाइल उनकी खराब हो रखी होती है, उन लोगों की बॉडी में सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल्स होने के खतरा रहता है। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधार के रखेंगे तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स उतने जनरेट नहीं होंगे, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहेगा और आपको जो ऑक्सीजन का डार्क साइड है वो कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स जरूर इंक्लूड करें जिससे अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन भी रहे हों तो उसको वो बैलेंस आउट करना स्टार्ट कर दे और बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीना आप सब स्टार्ट कर दो। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस चैनल पर लाने वाली हूँ मैं बहुत सारी हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस। टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स, बाय बाय।